इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें इटली की जो मौजूदगी थी उस वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था या बड़ा गलत कदम था। और कहा जाता है कि इटली जो है वो एक ही मुल्क था यूरोप के अंदर जिसने इस चाइनीज प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। और कहा जा रहा है कि वो समझ रहे हैं कि हमारे चीन से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, अब हमने यहाँ से निकलना कैसे है, अगर निकले तो तब भी मुश्किल है और रहे तो तब भी हमारे लिए मुश्किल है। और उधर पाकिस्तान के अंदर आज चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं वो पहुंचे हुए हैं, और चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं ये हायरार्की में तीसरे नंबर में हैं शी जिनपिंग के बाद। और मज़े की बात यह है कि 10 साल सेलिब्रेशंस के लिए आ रहे हैं। बिरसे साहब आप क्या देखते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हम देखते हैं, पता चलता है कि 2 लाख नौकरियां क्रिएट हुई, 6,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई, 510 किलोमीटर हाईवे जो है वो बनी। आपको लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिस तरह आप इटालियन डिफेंस मिनिस्टर की बात देखें या पाकिस्तान का जो लार्जली इसको देखें, आपको लगता है पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत चीज़ थी या कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि हम इससे बहुत फ़ायदे उठा सकते थे लेकिन हमने नहीं उठाए? और आपको याद होगा कि इंडिया ने भी इसकी मुखालफत की थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। तो ये जो 10 साल सेलिब्रेशन है, आपको लगता है ये जस्टिफाइड है या कि ये पीएमएलएन या रूलिंग पार्टी ने बेसिकली ये एक पोलिटिकल गिमिक है बिकॉज इलेक्शन आ रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले का, इस सिलसिले से मराद ये जो रोड और बेल्ट से जुड़े मुल्कों का एक सिलसिला है, उसका वाहिद और पहला मुल्क है जो सेलिब्रेट कर रहा है चाइना के साथ किसी इस तरह की एंगेजमेंट आप कह लें या डील कह लें या जो भी उनका माजी में उनके साथ जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें हुई हैं। नॉर्मली इसको आप सब्जेक्टिवली ना देखें कि मेरा और आपका नज़रिया क्या है, आप इसको ये देखें कि जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनली और जो तज्जियाकार हैं वो इस रोड और बेल्ट के मंसूबों को डिफरेंट कंट्रीज में किस तरीके से जो है वो देख रहे हैं और उसको किस तरीके से, हकायक को किस तरीके से पेश कर रहे हैं, ओपिनियंस को एक तरफ रखें। इस वक्त तक तकरीबन 45 मुल्क जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने एक तरीके से, अगर आप इसको डिसप्लेजर ना कहें, एक तरह की नाराजगी ना कहें, लेकिन कम से कम एक गैर मुतमईन जो है वो होने का इजहार किया है जिन जिन मुल्कों ने चाइना के साथ इस तरह की रिलेशनशिप के अंदर गए हैं जिसका ताल्लुक रोड और बेल्ट को लेके, तो इन्वेस्टमेंट या लूनिंग या इस तरह के जो है वो मामला के साथ रही है। और उन सब में एक कॉमन जो चीज़ मुश्तरका है वो ये है कि बेसिकली देखें, ये प्रोजेक्ट तो चीन का है, रोड एंड बेल्ट का प्रोजेक्ट जिसको लेके तो चीन ये कहता है कि हम दुनिया के साथ एक करीब तरीन जो है वो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो सारे का सारा बोझ है वो पड़ता है उन कंट्रीज पे जो इसको फैसिलिटेट कर रही हैं, हालांकि ये प्रोजेक्ट उनका नहीं है। और इसमें हम ये भी नहीं कहते कि उन मुल्कों को इसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान है, लेकिन बुनियादी तौर पे आप एक प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं कि ये हमारा इनिशिएटिव है, हमारा प्रोजेक्ट है, तो वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक बहुत ही ह्यूज किस्म का एक प्रोजेक्ट है जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका समेत कई मुल्कों को हिला के रख दिया। और रद्द अमल के तौर पे आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक और सोशल फोरम्स पे खुल के तो उसके खिलाफ इजहारे ख्याल किया और मुल्कों को ओपनली कहा कि आप जो है वो रोड एंड बेल्ट के ट्रैप में आ गए हैं, तो हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि आप इस ट्रैप से निकल के हमारी तरफ आए तो हम आपको सिमिलर प्रोजेक्ट देंगे, जो उन्होंने ईस्टर्न यूरोपियन कुछ मुल्कों के साथ किया भी है। लेकिन जब 45 मुल्क आ जाए सामने और आके सब अपने अपनी जो है वो नासूदगी का इजहार करें और अपनी नाराजगी का इजहार करें कि जनाब ये हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ है, ना हमारी इकोनॉमी पे इस पे मुस्बत असरात पड़े हैं,
और ना हमारे जो वादे थे अपने आवाम के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके वो पूरे हुए हैं, ताकि हम आवाम को बता सकें एज ए पॉलिटिशियन कि हमने जी ये बहुत बड़ा एक काम किया हुआ था। तो ये एक तरह का आप यूं समझ लें कि पूरा एक बहुत 45 मुल्क बहुत बड़े मुल्क होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, जिनका मतलब ये आप समझ लें कि तकरीबन 100% आ जाते हैं उसमें कैटागरी में, जिन्होंने के इस मंसूबे में शामिलियत इख्तियार की और उस पर वो खुश नहीं है। पाकिस्तान की तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनली इसको अपोज किया गया। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को अपोज किया जाता है, हाईली एक तरह की सोसाइटी है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज वहाँ पे इस तरीके से उठते हैं, हिजब इख्तलाफ वाले हर चीज़ की मुखालफत करते हैं और हिजब इकदार वाले हर चीज़ की तारीफें करते हैं, लेकिन उसमें कुछ सैन वॉइसेस जो है आवाज़ें भी थी जिन्होंने ये कहा कि चाइना के साथ हमारी जो एंगेजमेंट है ये वन वे है और इसका हमें जो इकोनॉमिक मास पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसको नेट शेल में मैं ज़्यादा लंबा करने से बचाने के लिए आपको बताऊं कि पहली बात यह है कि ये जो चीन के कर्जे हैं 28 बिलियन आप इनको कह लें जो खर्च हो गए, या 56 बिलियन कह लें, या जो भी टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे अकुमुलेट होगी, ये सारे कर्जे जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना के कर्जे नहीं है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑल दो कि एवरीथिंग इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इंक्लूडिंग पीपल इटसेल्फ, क्योंकि जो सिस्टम वहाँ पे प्रिवेल करता है, लेकिन ऑब्वियसली एक दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस उन्होंने भी कायम की हुई है। मसलन चाइना में जो प्राइवेट बैंकिंग है उसको उन्होंने रिकग्नाइज किया हुआ है और ड्यूली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको रजिस्टर किया हुआ है, जिसके सामने वो जवाबदेह हैं बाकायदा एज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियली रेगुलेटरी बॉडीज हैं इंटरनेशनली, उनका उन पे जो है ना वो बनता है सुपरविजन का राइट या राइट टू क्वेश्चन। अब ये जो कर्जे पाकिस्तान को दिए गए इनमें से बेशतर कर्जे जो अक्सरियत है वो प्राइवेट बैंकों ने दिए, ऑल दो के उसमें चाइना की हुकूमत की रजामंदी शामिल है, लेकिन रजामंदी सिर्फ इस हद तक शामिल है कि आप कर्ज दें, इससे आगे नहीं है कि जब बैंकों ने अपने कर्ज वापस मांगने हैं जिस तरह आपसे IMF मांगता है या कोई दूसरा मुल्क मांगता है तो उसमें चीन कोई राय दे देगा, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक हैं और उन्होंने अपनी जो खजाना है उसको वापस भरना है, किसी न किसी तरीके से रिकवरी जो है वो करनी है। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है अगर 6% से शुरू होकर 15% तक और अबव जाता है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो इस वक्त इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं उस पर वो पूरा नहीं उतरता, और ये खसारे का सौदा है जो बहुत हंगामी हालात में जो डूबती हुई मैशियतें होती हैं या बिल्कुल ही बदहाल किस्म के मुल्क होते हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, तो वो इतने हाई इंटरेस्ट किस्म के कर्जे प्लस जो है वो उनकी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जो साम्राज्य की इंटरनेशनल इंपीरियलिज्म की सबसे बड़ी क्लासिकल डेफिनेशन हम लोग जो करते थे जब हम स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते थे तो ये होती थी कि साम्राज्य आपको कर्जे देता है और उन कर्जों के साथ फिर अपने माहरीन देता है जो कि टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के माहिर हैं, मैनेजमेंट के माहिर हैं, और आधे कर्जों उनकी तनख्वाहों की माद में वापस ले जाता है, जो एग्जैक्टली चीन ने आपके साथ किया। आप चीन को इंपीरियलिस्ट कहें या ना कहें, लेकिन मैं बचपन की उस डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ जब मैं जो है वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म या कैपिटलिज्म लिबरलिज्म की ABC सीख रहा था, तो उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि वो किस तरह कर्जे दे के तो फिर माहरीन की मद में वापस लेते हैं, टेक्नोलॉजी की मद में वापस लेते हैं, दूसरे इस तरह के तरीके इख्तियार करके, तो वो 80% कर्जे तो वापस ले लेते हैं उसी वक्त, बाकी 20% को आप लेके खुश होते रहते हैं कि हमने पता नहीं क्या कमाल कर दिया। ये बात मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो आज़ाद कश्मीर में 9 डैम बने हैं और जो डैम जो है वो ज़ाहिर है चाइना की इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज कंपनीज लेबर से लेके इंजीनियर तक चाइनीज आए हैं जिन्होंने पैसे कमाए और आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे गए जो आपके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी है। पीपल
may be taking advantage of that for the time being. लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एक सबसे बड़ा चैलेंज जो इस शोबे में दरपेश है वो डैम्स डिसमेंटल करना है। इसी तरह के जो पान बिजली के डैम एक वक्त में उन्होंने बनाए, सैकड़ों बल्कि हजारों के हिसाब से बनाए, अब उनको डिसमेंटल करने के लिए उनको बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, चूंकि इसका जो है वो एक टाइम, एक एज, एक खास कैपेसिटी है, जिसके बाद ये एक इन्वायरमेंटली आपके लिए एक चैलेंजिंग किस्म की चीज़ बन जाती है। ये बात आज़ाद कश्मीर में हुई है, उन्होंने जो है वो दरिया बंद कर दिए, जिसके नतीजे में दरिया मर गए, चूंकि उन्होंने दरियाओं का रुख मोड़ दिया। दरियाओं का रुख मोड़ने की सूरत में वहाँ जो वाइल्ड लाइफ थी, जो आपका इकोसिस्टम था, जो इन्वायरमेंटल बैलेंस था, वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गया, जिसके असरात आस्ता आस्ता ज़ाहिर है जो अब भी ज़ाहिर हो रहे हैं और फ्यूचर में भी ज़ाहिर होते रहेंगे। तो उन्होंने आपको जो है वो लोअर करके दे दिया, उसके तमाम जो है वो लागत है, उसकी इंजीनियरिंग है, उसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हर चीज के पैसे भी चीनी वापस ले गए। तो ये चीज जब सामने रखते हैं तो उसमें आपको कहीं दूर दूर तक भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जिसको लेके आप सेलिब्रेट करें, अदर देन जो फैक्ट्स और फिगर्स आपने पेश किए कि 2 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब उनको किस शोबे सबसे ज्यादा जो ये पैसा खर्च हुआ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे चला गया, फॉर एग्जांपल ये रोड, तो उस रोड पे चलता क्या है और चलेगा क्या? एक ट्रक जो है क्या चीज लेके ग्वादर जाएगा, या ग्वादर से क्या चीज लेके वापस गलगित बल्तिस्तान जाएगा? तीसरा बड़ा जो इशू है, आपने कहा इंडिया ने इस पे एतराज किया, इज नॉट जस्ट इंडिया, गलगित बल्तिस्तान इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटोरी, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल नंबर 1 या 257 या किसी आर्टिकल की रोशनी में आप देख लें तो गलगित बल्तिस्तान इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान बाई एनी डेफिनेशन। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा मुकदस और अजीम तरीन ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है ना होता है। तो उसके मुताबिक जब वो नहीं है तो क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है ना कि इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटोरी। तो इंडिया का उस पर क्लेम है, और इंडिया शुरू दिन से राइट फ्रॉम 1947 कह रहा है कि इस पे आपने नाजायज कब्जा किया हो रहा है। अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि हम बहुत जल्दी ये कब्जा वापस लेने वाले हैं, अभी कोई 2-4 दिन पहले उन्होंने ये बात कही। उस पे आपने चीन को एक जो है वो दे दिया, एक राहदारी, एक तरह की खुली वो दे दी। अब उसके नतीजे में जाहिर है कि इस तरह के जो हाईली कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड किस्म के मंसूबे होते हैं वो ज़्यादा देर चलते नहीं। आप रोड खोल लेते हैं, बाद में लोग बंद करना शुरू हो जाते हैं, आप डैम बनाते हैं वो नहीं चलते। ये चीज़ें हमने माजी में भी देखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक डेस्परेट किस्म की अटेम्प्ट थी, जिस वक्त पाकिस्तान चारों तरफ से एक घटाटोप अंधेरे में घिर चुका था, तो उनको एक रोशनी की किरण नजर आई सी पैक। मैंने भी उस वक्त कई वीडियो में इसको जो है अर्थ शेकिंग और मूविंग और पता नहीं क्या क्या कह दिया था जज्बात में आके, चूंकि आजाद कश्मीर में 9 डैम बन रहे थे तो मैं समझ रहा था कि हमें बिजली मिलेगी। उस वक्त लोड शेडिंग होती थी 6 घंटे की, अब होती है 18 घंटे की। अब मुझे नहीं पता कि हमारी कुल जरूरत जो है वो 300 से ज्यादा मेगावाट नहीं, तो ये जो 3000 बिजली हम पैदा करते हैं ये गायब किधर होती है, जाती कहाँ है? अब ये चीजें जो है जिस मुल्क में कि कोई कल ही वो जिसको कहते हैं कि सीधी ना हो, कोई सिस्टम ही इन प्लेस ना हो, उसमें आप जितने मर्जी सी पैक ले लें। अमेरिका से आपने पता है आपको कि आपने कितने डॉलर लिए? मैं अगर डॉलर अमाउंट डालूं उसको तो 128 बिलियन से ऊपर जाता है, जो कि अर्थ शेकिंग है। लेकिन मैं आपको दूसरे सादा जुबान में, अवामी जुबान में समझाता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सरकारी तौर पर इसराइल ने लिए, दूसरे नंबर पे मिस्र ने लिए, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान ने लिए। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जाती राय ये है कि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान ने लिए, तीसरे पे मिस्र ने लिए। एक मिस्री डिप्लोमेट ने यहाँ टोरंटो में एक प्रोग्राम हुआ था, उसने मुझे चैलेंज किया था जब मैं इस बात पर इंसिस्ट कर रहा था कि दूसरे पे पाकिस्तान है, तीसरे पे मिस्र है। तो मैंने कहा भाई साहब आप ही ले लें दूसरा नंबर, इससे जो है ये तो वैसे भी कोई कारनामा नहीं है जिसपे हम लड़ाई करें।
तो इसलिए अब ये इतने पैसे आपने लिए थे, मैं मसाल इसलिए दे रहा हूँ, तो पाकिस्तान में कहीं ग्राउंड पे आपको वो पैसे नजर आते हैं किधर गए? अब इसी तरह सीपैक से जो आपने पैसे लिए हैं वो वापस चीन चले गए आधे से ज्यादा, और बाकी भी इंटरेस्ट की माद में चले जाएंगे, आखिर में आपके पास खंडरात रह जाएंगे। चूंकि आपकी जहाँ प्लानिंग है, जिस तरीके से डेवलपमेंट की बारे में रवैये हैं, जिस तरीके से हुकूमतें हैं, आप मुझे ये बता दें ये जो हुकूमत बैठी हुई है 1.5 साल में इसने डेवलपमेंट का कौन सा ऐसा मंसूबा पेश किया जिससे ये लगे कि ये कोई किसी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में या लॉन्ग टर्म किसी प्लानिंग के बारे में भी संजीदा है? तो सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन, 14 अगस्त बन रहा है, 23 पता नहीं मार्च बन रहा है, 5 फरवरी बन रहा है, ये खोखली सेलिब्रेशन की आदत पड़ गई है पाकिस्तान में। हुक्मरान तबका को लोगों की तवज्जो हटाने के लिए असल मसाइल से इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिर साहब, और ये सेलिब्रेशंस है बिर साहब, ये आपने इंडिया की बात की और इंडिया का इसमें मेन स्टेक होल्डर है ऑब्वियसली कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह के, ये जो राजनाथ सिंह साहब ने बात की, आपको क्या लगता है इंडियन डिसीजन मेकर क्या सोच रहे हैं कश्मीर के बारे में? क्या वो सोचते हैं पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, या कि आप समझते हैं कि ये जो चाइना और इंडिया की LAC के ऊपर मामलात खराब रहते हैं, ये उस हवाले से एक जो CPAC इन्वेस्टमेंट्स हैं कश्मीर में जैसी तैसी भी हैं या गिलगित बल्तिस्तान में, ये उनको भी ख़तरा देने की बातें हैं, या क्या आपको लगता है कि वो भी इलेक्शन मोड में हैं और सियासत राजनाथ सिंह साहब कर रहे हैं? क्योंकि बड़े फ्रीक्वेंट स्टेटमेंट्स आती हैं, कभी अमित शाह, कभी राजनाथ सिंह साहब, और हमारे लीडर तो बोलते ही नहीं है, ये तो खामोश रहते हैं, ये तो जवाब भी नहीं देते कभी, मैंने देखा है उस हवाले से। आप इसको किस एंगल से क्या वो देख रहे हैं, क्या वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, या कि वो पाकिस्तान की कमजोरी को भांप चुके हैं, महसूस करते हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल सर? देखें जी, ये अव्वल एंड आखिर एक पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट है जो पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, और मोस्ट फंडामेंटली जो आपके वोटर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके, उसको जो है ना उनके जज्बात गर्म रखने के लिए, ताकि आपका मामला जो है वो चलता रहे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, देखें ये जो आज़ाद कश्मीर 4,500 मरबा मील इलाका है और गिलगित बल्तिस्तान 28,000 मरबा मील इलाका है। आज़ाद कश्मीर की आबादी आलमोस्ट जो है वो 40 मिलियन और इनकी जो गिलगित वालों की तकरीबन 20 के ऊपर नीचे है। तो ये जो 28 और 5 जो है 29, 30 और 33,000 मरबा मील इलाका हो गया। दूसरी तरफ 32,000 मरबा मील इलाका कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का चीन के पास, जो मेरे एस्टिमेट के मुताबिक, जिनमें से कुछ जो है उसने इंडिया से छीना है 1962 की वार में, कुछ जो है उसको पाकिस्तान ने तकरीबन 12 से 15,000 मरबा मील जो है वो दिया है, जो है वही 60s में इंडिया चाइना जो पाकिस्तान चाइना जो बॉर्डर सेटलमेंट के नतीजे में तोहफा था, जिसमें के एक शिक ये भी शामिल है। ये भी मैं आपको मजे की बात बता दूं, और मैं हैरान हूं कि चीनियों ने ये शिक शामिल होने दी उस वक्त, कि अगर मसला कश्मीर हल हो गया तो फिर इन इलाकों के बारे में दोबारा जो है, यानी इसका मतलब है कि फिर कश्मीरी इंटाइटल्ड होंगे कि वो ये इलाका रिक्लेम करें तो चीन इसको छोड़ देगा, दूसरे अल्फाज में। लेकिन वो चीन के पास है। आप मुझे ये बताएं कि राजनाथ सिंह साहब या किसी और ने कितने दफा ये बयान दिया कि जी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का 32,000 जो है इलाका जो है उस पर चीन काबज है तो वो छोड़ दे, या हम छीन लेंगे, हम बुला कर लेंगे, बात कर लेंगे? तो ऑब्वियसली ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जाहिर है पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट्स होनी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होनी चाहिए, रिलीजियसली मोटिवेटेड होने से बेहतर है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों, तो कम अज कम उससे फिरका वारियत और खून खराबा तो नहीं होता, लोग चलो मजे लेते हैं। रहा सवाल इसको लेने का, तो मैंने कल भी किसी से बात की थी कि ये आ बहल मुझे मार, इंडिया तरक्की कर रहा है बल्कि तरक्की के तेज रफ्तार घोड़े पे चढ़ा हुआ है, हर एतबार से उसके इंडिकेटर्स जो हैं वो बिल्कुल ये चल रहे हैं साथ साथ, दुनिया के बड़े बड़े तेज रफ्तार इंडिकेटर्स के साथ।
एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको जाहिर है मैं आसमान से उतरी हुई अपॉर्चुनिटी तो नहीं कह सकता ना। जाहिर है वहां के लोगों ने कोई मेहनत की, कोई सोचा, कोई प्लानिंग की, कुछ किया, कोई क्रिएट किया ना। अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान के साथ भी थी, नेक्स्ट टू डोर, नेक्स्ट डोर, तो उसने अपॉर्चुनिटी को लात मार के तो अपने ऊपर एक ऐसा काला कंबल डाल के तो एक टनल में छलांग लगा दी, जहां से ना वो निकल सके, ना आगे जाए ना पीछे जाए। तो ये अपॉर्चुनिटीज हर मुल्क के पास होती हैं, अवेल उन्होंने कर ली। तो अब उनको कौन से पागल कुत्ते ने काटा है कि हम जैसे आजाद कश्मीरी जो इंताई जो है वो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट किस्म के एक खास जहन के लोग हैं, हम लोग हम में से 99% तो फौजी हैं, कोई आदर सर्विस फौजी है, कोई पुराना फौजी है, कोई नया फौजी है, वो पूरा एक मिलिटराइज्ड किस्म की सोसाइटी है, उसको वो अपने गले में डाल देंगे खा मखा के हमने जी ये इलाका ले लिया, और उससे लड़ना शुरू हो जाएंगे। वहाँ जो लड़ाई पहले चल रही है जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 70 साल से, उसका अशर आप देख लें। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई सीरियस किस्म की कोई बात है, या इस तरह का कोई रिस्क वो लेना चाहते हैं, या इसके अंदर